अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? इस वक्त हम दामन एको पे मौजूद हैं और हमारा जो टूर है वो पैकअप की जानिब है। स्टूडेंट्स ने और टीचर्स ने काफ़ी इंजॉय भी किया और थके हुए भी लग रहे हैं। तो लास्ट में मैं पूछना चाहूँगा, सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं हमारे कॉलेज के एडमिन स्टाफ से ज़हूर। तो ज़हूर, क्या कहना चाहेंगे इस टूर के हवाले से, आज आपने कैसा इंजॉय किया है? सर, बहुत अच्छे हुए टूर। सबसे ज़्यादा तो ख्वाहिश बच्चों की होती है और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बिल्कुल इंजॉयमेंट कर रहे हैं। हमारी ख्वाहिश ठीक ठीक है जी। ज़हूर का तो ये कमेंट्स थे। अब मैं पूछना चाहूँगा सईद गुल साहब से कि वो इस टूर का जो फाइनलाइज बताएं कि क्या ये फील किया पूरे दिन में और इस पॉइंट के हवाले से। यासिर साहब, बहुत शुक्रिया। आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, थोड़ी सी एक मिसहैप हुआ है लेकिन इसकी वजह बावजूद भी ना बहुत अच्छा गुजरा है। सर, आज का टूर जो है ना, मुझे लगता है कि ये सबसे यादगार टूर है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे क्राइसिस भी आते हैं, अप्स एंड डाउन्स होती हैं। तो आप देखते हैं कि टूर मीन्स होता है कि कुछ आप हर चीज़ को इजीली ना आपको मिल जाए ना, थोड़ा आपको मुश्किल पेश आए तो आप इंजॉय करें और अपने बच्चों के साथ खुद भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, शुक्रिया, मतलब टूर हुआ। और मैं थैंक्स करूँगा अपने प्रिंसिपल सर डॉक्टर मलिक मतीउल्लाह साहब का कि उन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया और हमें इंटरटेनमेंट्स का मौका दिया। थैंक यू सईद साहब। तो ये तो सईद साहब थे जिन्होंने हमें टूर्स के हवाले से बताया। ये आप व्यू देख सकते हैं, यहाँ से आपको रावलपिंडी, इस्लामाबाद और डिफरेंट जो प्लेसेज हैं आपकी फेमस प्लेसेज, वो आपको यहाँ से क्लियरली नज़र आ सकते हैं। अब फाइनली मैं सर नुमान से पूछना चाहूँगा। नुमान सर जो है वो, उनका ये आज का दिन कैसा गुजरा और वो आपको क्या कहना चाहते हैं, उनके दिल का क्या हाल है? जी नुमान सर, जी यासिर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत खुश नज़र आ रहे हैं सर। बिल्कुल सर जी, मैंने खूब इन्जॉय किया।